हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि टैली में स्टॉक ग्रुप कैसे क्रिएट किया जाता है, ऑल्टर किया जाता है और डिस्प्ले किया जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूनिट ऑफ मेजर कैसे क्रिएट किया जाए या ऑल्टर किया जाए। यूनिट ऑफ मेजर का अर्थ होता है कि आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसको आप मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो है राइस, ऑयल। तो अगर आप इन सारे प्रोडक्ट को मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या यूनिट होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले यूनिट ऑफ क्रिएशन विंडो में है टाइप, यहाँ पर आप सिंबल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद है सिंबल, यहाँ पर आप उस यूनिट का सिंबल बताएंगे। सपोज यहाँ पर जो राइस है मैं उसकी यूनिट क्रिएट करना चाहती हूँ, तो यहाँ पर आप देंगे KGS। इसके बाद फॉर्मल नेम, फॉर्मल नेम का अर्थ होता है आपने जो यूनिट दी है उसका कंप्लीट नाम लिखना होता है। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो लिखें, अदरवाइज इसे खाली छोड़ दें। यहाँ मैंने लिखा किलोग्राम्स। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, अर्थात यहाँ पर आप दशमलव के बाद कितने अंक लेना चाहते हैं। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट है वो दिखाना चाहते हैं कि वो किलोग्राम्स के अलावा ग्राम्स में भी बेच रहे हैं तो यहाँ पर आप वो डेसिमल प्लेसेस देंगे, और अगर आप नहीं दिखाना चाहते तो यहाँ पर आप जीरो रखेंगे और उसके बाद कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे। यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट हो चुकी है। अगर आप एक से ज़्यादा यूनिट्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप यूनिट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि यूनिट ऑफ मेजर कैसे क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि टैली में यदि हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करना है या ऑल्टर करना है तो वह किस तरीके से करेंगे। थैंक यू दोस्तों।